मनावर तहसील में पदस्थ चंद्रशेखर धारवे एवं दोनों नायब तहसीलदारों को हटाने को लेकर मनावर पटवारी संघ ने जिला कलेक्टर के नाम मनावर एसडीएम सत्यनारायण को ज्ञापन सौंपा। पटवारियों का कहना है कि मनावर तहसीलदार एवं दोनों नायब तहसीलदारों द्वारा पटवारियों को किसी भी कार्य के संबंध में समस्याओं को सुने बिना अभद्र एवं अव्यवहारिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है व नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, तो नायब तहसीलदार हितेंद्र भवसार तथा नायब तहसीलदार अनुराग जैन द्वारा महिला पटवारियों के साथ भाषा एवं व्यवहार ठीक नहीं है एवं महिला पटवारियों को रात्रि के समय मोबाइल पर मैसेज व फोन किया जाता है। इनके इस प्रकार के व्यवहार के कारण महिला पटवारियों का ऐसा वातावरण में कार्य करना संभव नहीं है। इनके यहाँ पदस्थ होने से लेकर अब तक इस प्रकार का लगातार खराब व्यवहार, अभद्र भाषा शैली से त्रस्त एवं व्याकुल होकर पटवारी संघ मनावर द्वारा ज्ञापन दिया गया व मांग की गई कि 7 दिन में तहसीलदार तथा दोनों नायब तहसीलदार को हटाया जाए, अन्यथा 8वें दिवस में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मनावर तहसील के समस्त पटवारी बस्ता रखकर काम बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन स्वयं की होगी। पूरा नाम ओमकार सिंह रावत, पटवारी संघ अध्यक्ष मनावर। किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया? हम इन तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इस तहसील से हटाने के लिए ज्ञापन दिया। इन लोगों से हम त्रस्त हैं, इनके व्यवहार, कार्य व्यवहार से या किसी भी तरह से महिला पटवारियों के साथ रात को 10-10 बजे मैसेज देना, कार्य के नाम से दबाव देना, ये तमाम बातें महिला पटवारी के साथ किया जा रहा है। ये नायब तहसीलदार भावसार और अनुराग जैन। क्या चाहते हैं आप? हम इन अधिकारियों को यहाँ से 7 दिवस के अंदर हटाया जावे, अन्यथा हम सारे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे बस्ते तहसील के रख देंगे और हड़ताल शुरू कर देंगे। नाम बताओ। किस संदर्भ में आपने ये ज्ञापन दिया? संडे को मेरे पास एनटी सर का मैसेज आया था, आज छुट्टी है क्या? वो मैंने अभी तक रीड नहीं किया, पर ये समझ में नहीं आया कि वो मैसेज क्यों किया। संडे के दिन तो ऑब्वियसली छुट्टी रहती है। आप क्या चाहते हैं? जो संघ चाहता है वही इसमें मेरे पटवारी संघ के साथ इसमें यहाँ के सत्यनारायण दर्रो एसडीएम मनावर। सर, आज कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया सर, उसके बारे में बताएं सर। उन लोगों के कुछ आरोप भी है कि मतलब यहाँ से उच्च अधिकारियों द्वारा संडे को मैसेज किया जाए तो महिला कर्मचारियों के बात, ऐसे कुछ आरोप भी है उसके बारे में? आज पटवारी संघ जिला के माध्यम से ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे तहसीलदार और नायबतहसीलदारों के खिलाफ इनके द्वारा कुछ बातें ज्ञापन के माध्यम से कहा है। क्योंकि मामला मेरे पास संज्ञान में अभी आया है और निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ होगी तो हम देख लेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी दबाव में आकर या कुछ ऐसा की कार्रवाई ना हो ये सोचकर संभवतः इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया, ऐसा प्रतीत होता है। सर, इन लोगों का ये कहना है कि 7 दिन तक हम इंतज़ार करेंगे। ठीक है, ये तो चूँकि कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाना है, चूँकि उनके नाम से ज्ञापन दिया है, चूँकि ये ज्ञापन हम कलेक्टर महोदय को भेजेंगे, उसके अनुसार जो भी होगा वो करेंगे।